सिंध में वो टोटल जिसे कहते हैं ना, ये देखिए मैं हमेशा ये बात, ये जो माशी दहशतगर्दी का लफ्ज है, जब सिंध के अंदर थर में बच्चे मर रहे थे और ये वहां पे नाच रहे थे, गा रहे थे, शराबें पी रहे थे और बाहर से और अंदर से ताइफे आ रहे थे, ये वो लोग हैं जो इंसानों की लाशों पर पैर रख के जिंदगी में तरक्की करके उन समझते हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और ये यानी जो ना आदमी एक दफा मर जाए, मैं हमेशा कहता हूं ये वो हैं जो कि जिन्होंने नस्लें बर्बाद की, नस्लें जी। और जब आप मईशत को यहां ले जाते हैं ना, ये मुल्क की मईशत, ये जो मईशत, ये अदम इस्तेकाम इसलिए पैदा करना चाह रहे हैं मुल्क में, ये जो है ना तहरीक चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मोहतरमा की वसीयत सामने, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, कुछ भी नहीं करेंगे। ये बात जो है, ये मामला ये है इनका कि जरदारी साहब अपनी अपने लोगों की फिक्र करें। ये मामला बहुत आगे तक चला गया है। मैंने आपसे कहा ना ये एक खरब नहीं है, एक खरब तो जेआईटी ने अभी तक जो तहकीकात की है उसके बाद अदालत ने जो जैसे कहा है कि सिंध हुकूमत तावन नहीं कर रही, ये जेआईटी ने बताया है। और सिंध हुकूमत अब उनको पेपर्स देगी सारे, और जब इनको पेपर्स देगी, इनके हवाले करेगी, ये पीआईए में जा रहे हैं इसलिए कि वो जहाज के लिए सिविल एविएशन को खत लिखा गया था, सिविल एविएशन को खत लिखा था, इनको पता चल गया कि सिविल एविएशन को उस जहाज का जिसको मैं जिक्र कर रहा हूं बस टावर बेच के जो इन्होंने समिट बैंक और सिंध बैंक जिसका पैसा दे रहा है उस जहाज का खत चला गया सिविल एविएशन को। तो ये नवीद कंवर साहब हमारे भाई, हमारी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बड़ी इज्जत है। नवीद कंवर साहब ने अपनी साहबजादी की शादी थाईलैंड में की थी माशाल्लाह, ठीक है, यहां से पता नहीं सैकड़ों या कितने लोग गए थे। तो बात अच्छा बड़े लोग हैं, अभी पीआईए में नजर आ रहे हैं बैठे, इसलिए कि पिछले हफ्ते हफ्ते 10 दिन पहले वो सिविल एविएशन को खत गया है कि जी जहाज है ये कौन सा जहाज है, ठीक है, जो जिसका पैसा सिंध बैंक दे रहा है, पब्लिक का पैसा, पब्लिक लोगों का पैसा। अब मसला ये है कि हाइड्रेंट्स, ये फलाना ढिमाकना, और ये जो पैसिफिक की तरफ पैसा पड़ा है, ये तो हो गया ना फ्रांस, कैनेडा, ये वाली साइड मगरबी, ये जो पैसिफिक में पैसा पड़ा है ना, यहां मुझे नहीं पता कि किस मरले पे जीआईटी वहां तक पहुंचेगी, वरना हम ही कुछ करेंगे इसमें। बात यह है कि इसमें जो है ये वहां जो पैसा दम किया है इन्होंने छोटे छोटे बैंकों में, इधर उधर इधर उधर अपने फ्रंटमैन बिठा के, वो उधर हांगकांग, इधर उधर इधर, और ये उससे जरदारी साहब हर 6 महीने बाद कहते मैं चाइना जाऊंगा, मैं चीन का पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और उसमें उसके बाद मुख्तलिफ इनके साथ उस जमाने की जो इत्तेहादी शख्सियात थी वो भी, वो मतलब पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, तो कोई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद नहीं था, वहां पे पैसा डंप हो रहा था। तो वो सारा का सारा जो मामला है वो मामला अब अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच रहा है, और मंतकी अंजाम पे इतनी तेजी से पहुंच रहा है कि जरदारी साहब को इस बात का अंदाजा नहीं। 3 साल से ये बात होती रही, वो ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी ने नहीं बताया या मीडिया ने नहीं बताया, ये बात नहीं हुई, 3 साल से बात होती रही, शो कॉज आते रहे, हर जाना, ये अदालतें, ये वो सारा कुछ होता रहा, लेकिन अब वो मरहला आ गया। अच्छा, उसके बाद फिल्मों पे इन्वेस्टमेंट, वो पैसा, उसके बाद जनाब उसमें जो अदाकार जा रहे हैं वो कैरियर्स हैं, उसके बाद क्रिकेट में पैसा, उसके बाद इधर पैसा उधर पैसा, उस सारा ब्लैक सबका सब उसका, वो सिंध बैंक उसको कर्जा, इधर कर्जा वहां कर्जा, जेलों में बैठ के ट्रांजिशन हो रही है अब। यानी अब देखिए ना, मैंने पहले सिर्फ इशारा किया, अब मैं और ज्यादा वाज़ह तौर पर बता रहा हूं कि वो शख्सियत जो शराब और तेल पी के जेल में बैठी है, अगर वो शख्सियत जेल से 6.7 अरब की अपने एक दो दोस्तों के साथ बैठ के ट्रांजिशन कर रही है, और निमर मजीद साहब अगर अभी भी सिंध पूरा चला रहे हैं, तो मुझे बताएं कि अब फिर ये सिंध के लोगों ने क्या किया है। मतलब हम देखें, बुरे हैं हम सब बतौर कौम, इतने भी बुरे नहीं है, और अल्लाह ताला हमें माफ करे हमारे गुनाहों को, इस कौम के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ करे कि ये हुक्मरान जमहूरियत के नाम पे आके मुसलत हो गए। सिंध बैंक पूरा बनाया, पूरा सिंध बैंक, लोगों का पब्लिक का पैसा समिट बैंक में आ रहा है, और कोई इंतकाल कर चुके हैं लोग, कोई जा चुके हैं, ये वो बेशरम और बेगैरत लोग हैं जिनको इतना भी ख्याल नहीं रहा कि यानी जिसे कहना चाहिए ना कि मरहूमीन के नाम पे, और शरीफ लोकल को पकड़े जाए, बेचारा कोई फालूदे वाला होगा। और एक तो वो है ना, एक बेनामी है, बेनामी अकाउंट अलग है, वो अकाउंट अलग है कि अचानक पता चल रहा है किसी को, गुमनाम अकाउंट, बेनामी वो है कि अपने छोटे मुलाजमीन की
इन्होंने आईडी कार्ड लेके अकाउंट खुलवाए कि कल को पकड़े जाए तो ये पकड़े जाए। याद रखें, अदालतों में दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे सजा होता है। अच्छा, सबूत कहां मिलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डेटा, टेलीफोन कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल, ये फलाना, ये वो, दुनिया भर की एप्लीकेशन ने डाउनलोड करके इनका ख्याल है ये बचेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बात सारी ये है कि जर्मनी, यूएई से जर्मनी जा रहा है, इनका ख्याल से ये, इनको ये पागल समझते हैं लोगों को? लोग इनके पीछे 3 साल से लगे हुए हैं, ये इकोनॉमिक टेररिज्म, ये वो जो ईमेल है सारी, वो तो इनकी पूरी। अभी तो मैंने आपसे कहा ना, मैं उस दिन क्या कह रहा था कि लोगों के कैलकुलेटर खत्म हो जाएंगे जब पैसा निकलेगा। आप 1 खरब को जरा डालें और अभी जो निकलेगा 1 खरब रुपया, इसको जरा आप डॉलर्स और पाउंड्स और आगे जब चेंज करके रुपयों में, तो मैंने पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं, मैंने जुमला कहा था कि कैलकुलेटर की वो काम करना छोड़ देंगे कि कितने जीरो आगे लगाएं और कौन सी करेंसी में क्या करें, ये क्या करना है पैसा देखें।